नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेट जीके पॉइंट पर। जीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब से कब तक होंगे? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होंगे। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को सम्मिलित किया गया है? 4 नए खेलों को सम्मिलित किया गया है। ब्रेकिंग, सर्फिंग, सपोर्ट, क्लाइंबिंग, स्केट बोल्डिंग को शामिल किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन है। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020-21 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान में किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पीवी सिंधु और शरद कमल को चुना गया है। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पूर्णिमा पर्वत थे। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला कौन थी? साइनी विल्सन थी। 2020-21 में टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मेरी काम और मनप्रीत सिंह थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? गगन नारंग को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? जार्डिन्स ड्रू ट्रोकाडेरो सीन नदी के किनारे होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित किए गए थे। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी आधिकारिक टीम भेजी थी? 1920 में एंटवर्प में भेजी थी। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? पेरिस ओलंपिक 1900 में शामिल किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? पीटी ऊषा हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? 206 समितियां भाग लेंगी। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? 23 जून 1978 को मनाया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिक शहर में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? फ्रांस के बोरेन पियरेटी केवर्टिन के प्रयासों से हुई थी। किस महाद्वीप में अब तक एक
भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, अफ्रीका में नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीट शामिल होंगे? 10,500 एथलीट शामिल होंगे। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित कौन सा रंग अफ्रीकी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? काला रंग प्रदर्शित करता है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? मास्को सिटी ओलंपिक 1968 में हुआ था। के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? 1920 में एडवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। ओलंपिक शब्द ओल्पस से आया है जो नाम है पर्वत का नाम है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रथम स्वर्ण पुरस्कार जीता था? 1928 ईस्वी में जीता है। अब तक भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? केडी जाधव थे। कब जीता था? 1952 में जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। कब जीता था? 2008 में जीता था। किसके लिए जीता था? निशानेबाजी के लिए जीता था। भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1952 में जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य जीते थे। नमस्कार साथियों।